नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारी साइबर क्राइम अवेयरनेस की सीरीज में। और मेरे साथ एक बार फिर एम हर्षवर्धन जी हैं, सर आईपीएस हैं और अभी द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आजकल ऐसे भी कई चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि जो डेटिंग साइट्स के थ्रू लोग मिलते हैं और फिर डेट पे जाते हैं और उनके साथ अलग अलग तरीके से जो है क्राइम हो रहे हैं। हालांकि उनका अभी तक वॉल्यूम ऑफ अमाउंट उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बट होता है ना, वो नॉक कर रहा है डोर। तो इस पे आप किस तरह से बताना चाहिए? ये एक इमर्जिंग एरिया ऑफ कंसर्न हो गया है, जो यूज़ ऑफ डेटिंग एप्स और उससे रिलेटेड जो क्राइम हो रहा है। तो जैसे हम बाकी सारे चीज़ों को इंटरनेट पर हम सावधानी से यूज़ करने के बार बार कहते रहते हैं, तो सिमिलरली इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखें कि किसी से भी आप सोशल मीडिया पे या डेटिंग ऐप्स पे किसी से भी आप अगर संपर्क में आते हैं तो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम से कम शेयर करें। अपना फ़ोन नंबर, अपने कोई फाइनेंशियल डिटेल्स, अपना एड्रेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें विदाउट नोइंग दैट पर्सन वेल इनफ। जस्ट बिकॉज कि आप उनसे काफ़ी टाइम से बातचीत कर रहे हैं ओवर सोशल मीडिया, इट डज नॉट मीन कि आप उनके साथ डिटेल शेयर कर सकते हैं। दूसरा, बिकॉज बाई नेचर डेटिंग ऐप के यूज़र्स थोड़े यंग एज ग्रुप के हैं, इस तरह के इशू भी सामने आए हैं कि वो कुछ अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स या वीडियोस भी शेयर कर देते हैं और फिर बाद में उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के मिलने का प्लान बना रहे हैं जिसको आप कभी मिले नहीं हैं, जिससे आप केवल ऑनलाइन बातचीत किए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति एक्चुअल में वही है जो क्लेम कर रहा है। अगर आपको कहीं मिलने के लिए कोई बुलाता है तो आप कोई भी ऐसे जगह पर ना जाएं जो सस्पिशियस सा जगह है। अगर इन जनरल तो हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि अगर आपको कोई पर्सन जिसको आप नहीं जानते हैं इन रियल लाइफ, उसको आप केवल ऑनलाइन परिचय के कारण मिलने के लिए ना जाएं। बट बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ दी डेटिंग एप्स एंड ऑल दैट, अगर इस तरह के कोई चीज़ में कोई यंग पर्सन इंडल्ज करता है तो इसका ध्यान रखें कि वो बहुत ही पब्लिक लोकेशन हो, दिन का टाइम हो, प्रॉपर पब्लिक लोकेशन हो, जहाँ पे किस तरह का हार्म होने का चांस मिनिमल हो। और इसमें ये ना सोचें कि इसमें केवल जो महिलाएं हैं केवल उनको ही इस चीज़ का रिस्क है। देर इज़ रिस्क एलिमेंट फॉर बोथ द जेंडर्स इन दिस। हमारे पास इस तरह के भी केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें कि द मेल पर्सन हैज बीन ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग। उसको कहीं बुलाया गया और वो वहाँ पे उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए, या ऑब्वियसली रिस्क टू फीमेल पर्सन इज देयर वेरियस काइंड्स। तो इसीलिए इन यूज़ करने समय सावधानी बरतें और इसके बारे में ज़रूर ये ध्यान रखें कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना है, किसी तरह का कोई पर्सनल फोटोग्राफ वीडियोस नहीं शेयर करना है, और किसी से अगर मिलना है अवॉइड करना, अगर मिलना ही है तो फिर इट शुड बी इन अ वेरी पब्लिक प्लेस एट ड्यूरिंग द डे टाइम। और अगर कोई दिक्कत होता है, कोई अनकंफर्टेबल फील करते हैं कभी भी, तो इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर करने से हेजिटेट ना करें और इमीडिएटली जो है आप पुलिस को भी कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद सर, क्योंकि इस तरह की चीज़ें एक्चुअली अक्सर होती हैं और बच्चे उसको आगे कन्वे नहीं कर पाते और बता नहीं पाते और फिर वो ये एक सिलसिला चलता रहता है। सो वियर्स, ये बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो सर ने दी है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप बड़े हैं और देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे हमसे नहीं शेयर कर पाते, डिस्कस नहीं कर पाते। तो इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर करें और हमारी सीरीज से जुड़े रहें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।